सब्सक्राइब करें चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22। शंकु जो अपने वृत्ताकार आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये ऊंचाई और व्यास जो है वो बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन लेंगे, ये आपकी है एक्स वाई रेखा है, और आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त लगाना है। तो हमने इसका सेंटर लेना है रेखा का, कहीं भी आप बीच में इसका सेंटर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसका सेंटर ले लिया है। तो हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। मैं 4 सेंटीमीटर का यहाँ निशान लगा लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं जैसे 6 पे लगा रहा हूँ, तो 2 इधर और 2 इधर, ये आपका 4 सेंटीमीटर आ चुका है। यहाँ से हमने इसके सीध में जो है हमने एक 2 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम इसको पूरा करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो है वो नीचे लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से ये आपका 1 सेंटीमीटर डॉटेड लगा दिया, और यहाँ से नीचे मैं 2 सेंटीमीटर डॉटेड पे लगाऊंगा, यहाँ तक यहाँ से लगा दिया है, ये मैं इसको नाप देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर ही है। अब मुझे क्या करना है, 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के मैंने एक सर्कल लगाना है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और मैं 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के सर्कल लगा दूंगा इस तरह से। और हमने इसका जो व्यास है वो हमने मिला देना, इसके समानांतर रेखा मैं यहां से ले लेता हूं, एक्स वाई के इस तरह से। ये जो आपका व्यास है ये आपका 4 सेंटीमीटर, यदि आप देखना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 4 सेंटीमीटर व्यास आ गया है। तो अर्ध व्यास हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी थी, इसके नाम में दे देता हूँ ए और बी। अब हमने ए और बी से प्रोजेक्शन लेने हैं एक्स वाई तक, यहां से भी ले लेंगे, अब इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर वाली लाइन है इसको हमने 4 सेंटीमीटर ऊपर तक लाइन लगानी है, यहां से इस तरह से। ये आपका ओ है, ओ और ये ओके यति के साथ है। अब हमने ये आपका ए, ये आपका बी, ये शंकु है। तो शंकु की अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शंकु कैसे बनता है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे, यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह से मिला देंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आपका प्रश्न है 22। अगला आपका है प्रश्न नंबर 23। शंकु का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने शीर्ष पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है। अर्ध व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी सेम वैसा ही है जैसा आपने पहले बनाया था, सिर्फ इसमें उसमें व्यास 4 सेंटीमीटर दिया था, इसमें अर्ध व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब व्यास तो उतना ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि वो ए बी रेखा के समानांतर था, और ये सॉरी एक्स वाई के समानांतर था, और ये एक्स वाई पे
उल्टा है अपने क्षितिज धरातल पर, एक्स वाई है, ये वाई है। इसमें भी हम वही करेंगे, सेंटर ले लेते हैं और सेंटर से हमने 2 सेंटीमीटर एक साइड ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर दूसरी साइड ले लेंगे, थोड़ा सा निशान लगा देंगे और यहाँ से हमने 90 डिग्री पे पहले हमने 1 सेंटीमीटर खाली छोड़ना है, उसके बाद हमने डॉटेड लाइन से 2 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन लगा देंगे इस तरह से, और हमने 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास जितनी प्रकार खोल के आपने एक सर्कल लगाना है। ये हमने 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास खोला था, ये हमने एक सर्कल पूरा कर दिया है। इसमें भी हमने क्या करना है, इसके व्यास जो है वो मिला देने हैं। इसका व्यास है, डॉटेड लाइन का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए और बी। अब हमने ए और बी के प्रोजेक्शन लेने हैं। पहले हम इनके प्रोजेक्शन एक्स वाई तक लेंगे, ये उल्टा है तो इसलिए इसके प्रोजेक्शन ऊपर तक जाएंगे और फिर ये इस तरह से। अब हमने तीनों लाइनों के जो प्रोजेक्शन है ऊपर तक जाएंगे और ये इसकी उठाई हाइट है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम इस तरह से डॉटेड लाइन लगा देंगे 90 डिग्री में, और यहाँ पे भी ऐसे लगेगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। हम ऊपर से इसको मिला देंगे और ऊपर से हम इसको डार्क मिलाएंगे इस तरह से। अब आपके पास जो ये पॉइंट आ रहे हैं, ये आपका ए, ये आपका ओ, यहाँ भी ओ है, ये आपका बी, ये यति के साथ है। यहाँ पे ये ए डबल यति, ओ डबल यति होगा, बी डबल यति। अब आपने इसको उल्टा जो है वो इसका शीर्ष जो है वो एक्स वाई के साथ है, तो इस तरह से आपने इसको मिला देना इस तरह से। अब ये आपका बन के तैयार हो गया, ये प्रश्न नंबर है 23। इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो आपका सॉलिड ज्योमेट्री का पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केल ड्राइंग।